कहीं ना तो कहीं ये जो फिल्म बनी है, इसमें हमने काफ़ी सारे रियल लाइफ लोगों को रिप्रेजेंट किया है जिन्होंने बहुत मेहनत करी थी इस आर्टिकल को एब्रोगेट करवाने में। जैसे यामी जी का जो कैरेक्टर है वो एक रियल लाइफ एनआई ऑफिसर से इंस्पायर्ड है, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि अगर आप उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उनको बिल्कुल जस्टिस कर पाएँ, आप उनके उनकी मेहनत को आप बिल्कुल सही तरीके से दर्शा पाएँ। तो ऑफ कोर्स उम्मीद तो होती है कि थिएटर में लोग आए, देखें और इनकी मेहनत भी देखें। तो मगर जिस तरीके का रिस्पॉन्स आ रहा है, सोचा नहीं था कि इतना बढ़िया रिस्पॉन्स आएगा और इतना ज़्यादा प्यार मिलेगा। तो बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। फील्स रियली ऑनर्ड कि पहले तो ऑफ कोर्स विश्वास नहीं हुआ, सडनली आई थिंक मैं इंटरव्यूज ही दे रही हूँ एंड सडनली देर वर सो मेनी नोटिफिकेशंस, तो बहुत गर्व की बात है कि लगता है कि अच्छा देश के प्रधानमंत्री द ऑनरेबल पीएम वो हमारी फिल्म के बारे में जानते हैं, क्या उस फिल्म के बारे में जानते हैं जिसका मैं एक हिस्सा हूँ। तो वो अभी भी यू नो एक वो वाली फीलिंग आती है बचपन वाली कि अच्छा वो जानते हैं मुझे या फिल्म को, तो बहुत अच्छा लगा सुनकर। दैट वॉज क्वाइट वेरी वो वेरी जैसे स्कूल में फीलिंग आती थी ना कि आज प्रिंसिपल ने मुझे नाम से बुलाया, हाँ आई एम द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन टुडे इन द स्कूल, या मैंने गुड मॉर्निंग बोला तो उन्होंने गुड एक्नॉलेज करके गुड मॉर्निंग बोला, सो इट फेल्ट एग्जैक्टली लाइक दैट। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ऑल्सो एक प्रोत्साहन मिलता है क्योंकि फिल्म बहुत ज़रूरी है हमें, इसीलिए हमने बनाई, हमें लगा ये कहानी है जो सच्ची घटनाओं पर एक 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 जो पब्लिक डोमेन में है, जिस 5 अगस्त 2019 को सब जानते हैं क्या हुआ उस पर बेस्ड है, तो एक हैवी शोल्डर्ड एक हैवी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उससे इस तरह का मंच मिले, इस तरह की आवाज़ मिले, तो हम जैसे लोग हमारे लिए जो एक छोटी सी छोटे बजट की फिल्म बनाई है हमने, बट दिल से बनाई है और एक बड़े दिल के साथ बनाई है, तो बहुत प्रोत्साहन मिला एंड आई एम सो हैप्पी। द वे पीपल आर रिएक्टिंग, द ऑडियंस इज रिएक्टिंग इज बियॉन्ड वर्ड्स। एवरीबडी इज शेयरिंग द वीडियोज फ्रॉम द थिएटर, लिटरली गोइंग ऑन इंस्टाग्राम, गोइंग ऑन नेटवर्क्स, जस्ट एक्सप्लेनिंग हाउ अमेजिंग दे फील अबाउट द फिल्म। सो आई थिंक इट हैज बीन ग्रेट एंड द रिस्पॉन्स इज कमिंग फ्रॉम ऑल अक्रॉस इंडिया, वर्ल्ड। वी आर गेटिंग मैसेजेस फ्रॉम यूरोप, फ्रॉम यूएस, कैनेडा। एट द सेम टाइम वी आर गेटिंग फ्रॉम ग्वालियर, वी आर गेटिंग फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र, साउथ, नॉर्थ, एवरीवेयर। सो इट्स जस्ट अमेजिंग, इट्स एक्साइटिंग। Do you accept this measured response of the film? I think somewhere down the line we did, because I think we had the dream that we will create a film in such a way that we do get that massive response. The film is about such a big drastic step that was taken on 5th of August 2019, where the Article 370 was abrogated. So I think with that. Tinitot SR Secondary School, nursery to 10th preparatory center for India's leading school. आवासीय ड्रोन प्रेम पब्लिक स्कूल भारत के ख्याति प्राप्त स्कूलों की तैयारी के लिए जाना जाता है। NH 28 बीबीगंज भगवानपुर मुजफ्फरपुर। होलीक्रॉस इंटरनेशनल स्कूल CBSE अप टू 12th आदर्श लेन चैपमैन स्कूल रोड चर्च गेट के सामने हाथी चौक मुजफ्फरपुर। एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन इज गोइंग ऑन। ओकवुड इंटरनेशनल स्कूल नर्सरी टू क्लास 10th CBSE करिकुलम PNB बैंक कैंपस पुरानी मोतिहारी रोड बैरिया गुलंबर मुजफ्फरपुर। आनंद प्रे पब्लिक स्कूल एफिलेटेड विद CBSE न्यू दिल्ली अप टू 12th रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन इज गोइंग ऑन। मंसूरपुर चमरुआ रेवा रोड मुजफ्फरपुर। आवासीय आनंद प्रेप स्कूल राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त विद्यालयों के लिए प्रीपेरेटरी स्कूल पुनौरा हाउस चक्कर मैदान मुजफ्फरपुर रेसिडेंशियल डे स्कूलिंग डुमड़ी गोबर सही मुजफ्फरपुर। RPS पब्लिक स्कूल CBSE एफिलेटेड अप टू 12th झभा मुजफ्फरपुर बेस्ट एकेडमिक परफॉर्मेंस। UK इंटरनेशनल स्कूल CBSE करिकुलम क्लास LG से 10वीं तक JP कैंपस बैरिया ओल्ड मोतिहारी रोड मुजफ्फरपुर।